जिला मुख्यालय धर्मशाला के सदर थाने में दर्ज एफआईआर जिसमें तकरीबन 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला था, इस मामले में पुलिस द्वारा जिला कांगड़ा के विभिन्न जगहों पर रेड की गई। इस रेड में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति पपरोला के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको पुलिस स्टेशन सदर में एक एफआईआर दर्ज हुआ था जिसमें जो है एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से एक अकाउंट में रिपोर्ट हुई थी जिसमें करीब एक ही महीने में करीब करीब 65 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जो हुआ था। जिस व्यक्ति का ये अकाउंट था उनकी ट्रांजैक्शंस को देख के उनकी जो सस्पिशन जो है पुलिस टीम को जाहिर हुआ और उसके तहत उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया। एसएचओ सुरेंद्र इंस्पेक्टर सुरेंद्र जो एसएचओ धर्मशाला उनकी टीम के द्वारा और इसमें फर्दर जो है पुलिस ने कार्य करते हुए डिफरेंट जगहों पे रेड्स करी जिसमें बैजनाथ पपरोला में जो है एक रेड की गई थी जिसमें हमारे पास 2 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि पपरोला के रहने वाले हैं। और इस रेड में हमारे पास जो है 10 लैपटॉप, 1 CPU, 1 हार्ड डिस्क, 6 मोबाइल फ़ोन, 34 पासबुक्स, 27 चेकबुक, 24 ATM कार्ड और 20 SIM कार्ड जो हैं इनके घर से जो है बरामद हुए। इसी लीड को फर्दर डेवलप करते हुए जो है टीम ने और इन्फॉर्मेशन गैदर की और दूसरी रेड जो है मोहाली पंजाब में की गई जिसमें कि 9 डिफरेंट जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है जिसमें लोग जो हैं वो यूपी और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और इस रेड में पुलिस टीम को कामयाबी मिलते हुए वहाँ पे 3 लैपटॉप, 32 मोबाइल फ़ोन, 10 ATM कार्ड्स, 13 SIM कार्ड्स, 1 जियो फाइबर जो नेट का कनेक्शन है, 1 पासपोर्ट, 7 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड जो हैं डिफरेंट लोगों के वहाँ पे सीजर में वहाँ पे पुलिस ने सीज किए। इन सभी आरोपियों को जो है धर्मशाला लाया गया और इनको कोर्ट में पेश करके इनका फर्दर पुलिस रिमांड हम ले रहे हैं। और इसके तहत अभी तक फ़िलहाल जो है इस पूरे केस में 13 लैपटॉप्स, 38 SIM कार्ड्स, 34 ATM कार्ड्स, 13 लैपटॉप्स, 38 मोबाइल फ़ोन्स, 34 ATM कार्ड्स और 33 SIM कार्ड्स जो हैं अभी तक पुलिस द्वारा सीज किए गए हैं। और ये जो मामला जो है ये ऑनलाइन बेटिंग और साइबर जो क्राइम है आजकल जिसका चलन बढ़ता जा रहा है उससे संबंधित अभी तक पाया जा रहा है। इसमें पुलिस को अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों के नामजद पुलिस की फाइल पे हैं जो कि अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उनके लिए पुलिस की टीम जो है कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी केस में और फर्दर डेवलपमेंट्स भी होंगी। और ये जो जितने भी बैंक अकाउंट्स और डिफरेंट डिटेल्स जो आज मैंने आपसे शेयर करी है इनको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और इनकम के सोर्सेज और ये इनकम पैसा जो है किस तरह से रोटेशन इसका है और किस तरह से इस इन अकाउंट्स को यूज़ करके बनाया गया उस पर फर्दर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।